हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है दोस्त अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाबर नीम जामुन करेला जूस का रिव्यू। और आज की वीडियो में इस जूस के मैं आपको फायदे बताऊंगा, यूज करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप इस जूस का यूज करोगे तो आपको क्या क्या चेंज आपकी बॉडी पे होंगे और क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। बात करें क्वांटिटी की तो 1 लीटर का जो है आज ये क्वांटिटी रहने वाली है, और इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये हमारे जो फ्रेम में भी नहीं आ रही है, हाथ में कैमरे को लेके इसका वीडियो शूट करना पड़ रहा है। बात करें प्राइजिंग की 1 लीटर की पैकिंग की तो 335 रुपये इस पर MRP है, लेकिन आपको ये 10% की छूट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप इसको ऑर्डर पर मंगा सकते हो। प्योर नेचुरल और ये सेफ भी है आपके लिए, मतलब नेचुरल जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, उनका इसके अंदर यूज कर रखा है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जामुन सीड्स है, क्वांटिटी एमजी के हिसाब से है, ठीक है ना। नीम करेला 3 इसके अंदर दोस्तों जूस का यूज कर रखा है, कंपोजिशन का यूज कर रखा है। अंदर से मैं एक बार इसकी आपको पैकिंग दिखाता हूँ, अंदर से जो जूस है डाबर नीम जामुन करेला कैसा मिलता है। एक ये आपको मेजरिंग कप मिलता है, ठीक है ना, इसमें मेजर है 40 ml, 30 ml, 20 ml, 10 ml। अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आप इसकी जो क्वांटिटी है वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो कितनी बड़ी बोतल है, काफ़ी हैवी है, 1 लीटर की जो है बोतल रहती है, ठीक है। वही पैकेजिंग वगैरह इंग्रेडिएंट सब इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें इसके यूज़ के बारे में, भाई आप इसका यूज़ क्यों करते हो और क्यों किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको डायबिटिक है, डायबिटिक मतलब शुगर है, शुगर तो आज के टाइम में दोस्तों आम बात हो गई है, अगर आपको शुगर है तो ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपके जो लीवर है उसको भी ये कहीं हद तक मेंटेन करता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आपके पेट में कीड़े होते हैं, बार बार पेट में कीड़े होते हैं, तो इसका अगर आप यूज़ करते हो तो आपके जो पेट के कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा आपके पेट के कीड़े के लिए डाबर नीम जामुन करेला जूस यूज़ करो, मैं आपके इसके मल्टीपल जो यूज़ है वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। बाकी इसका यूज़ जो है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ मत करना, ये वीडियो मैं आपको ओनली रिव्यू पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। इसका दोस्तों यूज़ आपकी जो एक्ने, पिंपल, एलर्जी कोई भी होती है, फोड़े फुंसी, बाल तोड़ वगैरह हो जाते हैं, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है, आपकी काफ़ी अच्छी मदद करता है। आपकी स्किन को प्योरीफाई करने में काफ़ी अच्छी मदद करता है, और आपकी स्किन से कोई भी एलर्जी वगैरह जो है उसको दूर करने में ये मदद करता है, और आपका जो शुगर लेवल है उसको भी ये मेंटेन करता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम है बढ़िया, आपकी जो लीवर है उसको भी हेल्दी बनाने में काफ़ी अच्छी मदद करता है, और जिन भाइयों का, बहनों का भाई पेट साफ नहीं होता अच्छी तरीके से, उसमें भी ये काफ़ी अच्छी मदद करता है। इसका यूज़ दोस्तों आप 5 से 6 ml पर डे यूज़ कर सकते हो, बाकी आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देख लेना भाई आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है और क्यों यूज़ कर रहे हो, आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, तो बॉडी वेट और एज के हिसाब से और प्रॉब्लम के हिसाब से जो इसकी डोज दी जाती है, ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, आप पर डे इतनी डोज इसकी आप ले सकते हो दोस्तों। बाकी डॉक्टर के रिकमेंड के अकॉर्डिंग इसका यूज़ मत करना, हमारा जो यूज़ बताने का पर्पज़ यही है कि हम इसके फ़ायदे बताएं दोस्तों। इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से इसको सेक कर लेना, ऐसा नहीं भाई रखा इसको बीकर में डाला कंटेनर में और इसका यूज़ कर लिया पीना। इसको यूज़ करने का अच्छा तरीका, इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना, तब बाद में इसको निकालना। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और नीम जामुन करेला जूस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।